हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पेटीएम ऐप से इंडेन भारत एचपी का गैस सिलेंडर बुक करके 500 रुपए तक का कैशबैक और रसीद हम किस तरह से पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऐप से पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने पेटीएम ऐप में अकाउंट किस तरह से हम बना सकते हैं। पेटीएम ऐप को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो हम यहाँ पर ओपन वाले बटन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पेटीएम ऐप है उसमें इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। एंड उसके बाद हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हम अपने पेटीएम के ऐप में ऑलरेडी साइन अप हैं, आप साइन अप कर लीजिए, अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और उसके बाद नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाता है बुक अ सिलेंडर, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पे गैस बिल और बुक अ सिलेंडर। तो यहाँ पर हम गैस का बिल अगर पे करते हैं तो हमें यहाँ पर पे गैस वाले बटन पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर मैं पे गैस बिल पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप गैस का बिल पे करना चाहते हैं तो आप पे गैस बिल पर क्लिक कीजिए। गैस प्रोवाइडर पे आपको गैस का प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होगा। काफी सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गैस के प्रोवाइडर, अदानी गैस, भाग्यनगर गैस, असम, टोरेंट, सेंट्रल, ग्रीन गैस, सारे यहाँ पर प्रोवाइडर शो होने लगे हैं। तो आपका जो भी गैस प्रोवाइडर हो, जो आपको गैस प्रोवाइड कर रहा हो, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अदानी गैस है, तो आपको अदानी पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको कंज्यूमर नंबर एंटर कर देना होगा। तो कंज्यूमर नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड आप जैसे ही करेंगे तो सारी डिटेल शो होने लगी हैं, जैसे कि नाम, एड्रेस और जितने रुपए का गैस का बिल होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आप पे कर सकते हैं अपने गैस का बिल। तो हम यहाँ पर अपना सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो हम बुक अ सिलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर गैस प्रोवाइडर, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तीन प्रोवाइडर यहाँ पर शो होने लगे हैं, भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस। अगर आपका भारत गैस है तो आप भारत गैस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपको एलपीजी आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक चीज एंटर कर लीजिए। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी गैस एजेंसी में रजिस्टर है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके भी अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है और आप एलपीजी आईडी से बुक करना चाहते हैं तो आप एलपीजी आईडी एंटर कर सकते हैं। ये एलपीजी आईडी आपकी गैस एजेंसी के पासबुक पर लिखी होती है, या फिर जो डिलीवरी बॉय आपके घर पर सिलेंडर डिलीवर करता है वो एक रिसीप्ट देता है इस तरह की, और इस साइड आपकी एलपीजी आईडी और मोबाइल नंबर लिखा होता है। तो हम यहाँ पर भारत गैस पर क्लिक करके एचपी गैस का आपको दिखा देते हैं। एचपी गैस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कंज्यूमर नंबर और लिंक मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। वही प्रोसेस है, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है गैस एजेंसी में तो आप मोबाइल नंबर एंटर करके भी आप अपने गैस एजेंसी का सिलेंडर बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंज्यूमर नंबर से अपना गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो ये कंज्यूमर नंबर आपकी एचपी गैस की पासबुक पर लिखा होता है, या फिर जो डिलीवरी बॉय आपके घर पर सिलेंडर डिलीवर करता है वो इस तरह की एक रिसीप्ट देता है। आप कंज्यूमर नंबर यहां से देखकर एंटर करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। और गैस एजेंसी पर क्लिक करके आप यहां पर अपनी स्टेट चूज कर लीजिए और आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको इंडेन का बता देता हूं। यहां पर हम एचपी गैस पर क्लिक करके इंडेन पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बुकिंग टाइप वैल्यू, हम यहां पर क्लिक कर लेंगे। और यहां पर तीन ऑप्शन हमें दिख जाते हैं जिसके द्वारा हम अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर नंबर एंड डीलर कोड, हम यहां पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर हम कंज्यूमर नंबर और डीलर कोड एंटर करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। या फिर हम एलपीजी आईडी अगर एंटर करना चाहते हैं तो ये एलपीजी आईडी हमारी इंडेन की पासबुक पर लिखी होती है, या फिर जो डिलीवरी बॉय हमारे घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर करता है वो कुछ इस तरह की एक रिसीप्ट देता है। यहाँ से देखकर आप एलपीजी आईडी एंटर कर सकते हैं और अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है एंटर एलपीजी आईडी, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अपनी एलपीजी आईडी। और तीसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है मोबाइल नंबर का, अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी गैस एजेंसी में रजिस्टर है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गैस सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर चुके हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगी हैं, जैसे ही कस्टमर का नाम, कंज्यूमर आईडी, कंज्यूमर एड्रेस। ये फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए ये थोड़ा कट कट करके ये हमारा जो एड्रेस है ये शो करवाते हैं। और अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रीफर्ड डिलीवरी टाइम, जो हमने डिलीवरी टाइम सेट किया होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा।
तो यहाँ पर मेरे सिलेंडर का अमाउंट यहाँ पर 593 रुपए लिखा हुआ है। आपके जितने का भी सिलेंडर का अमाउंट होगा वो आपको पे करके अपना गैस सिलेंडर बुक करना होगा। और ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट की तरफ से घटता बढ़ता रहता है, तो जितना अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है वो आप पे करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन दिख जाता है फास्ट फॉरवर्ड, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड पर टिक कर देते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, इस पर हमें अनटिक करना है और प्रोसीड टू गैस सिलेंडर वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है अप्लाई अ प्रोमो कोड, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें काफी सारे प्रोमो कोड शो होने लगे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला एक प्रोमो कोड दिखता है फर्स्ट एलपीजी, टर्म कंडीशन हम इसकी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारा मिनिमम सिलेंडर 500 रुपए का है तो हमें यहाँ पर 500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा अगर हम इस ऑफर कोड को अप्लाई कर लेते हैं। और मैं आपको दूसरा प्रोमो कोड दिखा देता हूँ रीच टू फ्लाइट, अगर यहाँ पर हम इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके सिलेंडर बुक करेंगे तो हमें पेटीएम की तरफ से एक प्रोमो कोड मिलेगा जो कि हमें एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्लाइट टिकट बुक करते टाइम हम वो प्रोमो कोड अगर अप्लाई करेंगे तो 3% का हमें कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कोड दिख जाता है फर्स्ट एलपीजी, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 20 रुपए का कैशबैक पेटीएम की तरफ से मिल रहा है। सक्सेस योर कैशबैक ऑफ ₹20 विल बी क्रेडिटेड इन योर 24 आवर्स, यहाँ पर 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। वैसे ये इंस्टेंट मिल जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये 24 घंटे में ही मिले। तो हम जैसे ही अपना गैस सिलेंडर बुक कर लेंगे तो हमें 20 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो ये पेटीएम 500 रुपए तक का कैशबैक दे रहा है, आपको कितने का भी कैशबैक मिल सकता है, 20, 40, 50, 100, 500, आपको कितने का भी रैंडमली कैशबैक मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पेटीएम में 20 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। तो ये जो कैशबैक है ये भारत, एचपी, इंडियन सभी कंपनियों पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा और मिला हुआ कैशबैक हमारे वॉलेट में इंस्टेंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है, हम इसको लोड होने देते हैं। एंड आप यहां पर देख सकते हैं पेमेंट का इंटरफेस यहां पर ओपन हो चुका है, मैं आपको फोकस मारकर भी दिखा देता हूं। तो यहां पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, अगर आप पेटीएम बैलेंस से पे करते हैं तो आप पेटीएम बैलेंस से भी कर सकते हैं, यूपीआई से आप कर सकते हैं, सेव कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, सारे पेमेंट मेथड यहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको जिससे भी बेटर लगे, आप जिससे भी करना चाहें, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पेटीएम बैलेंस में पैसा है तो आप अपने पेटीएम बैलेंस से भी बुक कर सकते हैं अपना गैस सिलेंडर। तो हम यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, डेबिट कार्ड नंबर एंटर करके, सारी डिटेल एंटर करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो गैस सिलेंडर है 593 रुपए का, वो यहाँ पर बुक हो चुका है और यहाँ पर टिक लगकर भी आ चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेंडर बुकिंग सक्सेसफुल फॉर इंडेन, हमने इंडेन की है तो यहाँ पर इंडेन लिखकर आ चुका है। यहाँ पर आपका जो भी कंपनी है जिसका आप गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ लिखकर आ जाएगा, और जितने का आपका गैस सिलेंडर है वो यहाँ पर अमाउंट लिखकर आ जाएगा। तो हमने अपना अमाउंट पे करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर लिया है और यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर बुकिंग सक्सेसफुल भी लिखकर आ चुका है। या फिर अगर हम इसकी रिसिप्ट या इन्वॉइस डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड इन्वॉइस का हमें एक ऑप्शन दिख जाता है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल में हमारी एक इन्वॉइस डाउनलोड हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही हमारी इन्वॉइस जो कि हमारा गैस सिलेंडर बुक होने पर शो कर रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी फाइल में आप इसको सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसका प्रिंटआउट निकलवाना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप पर जाकर इसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं। और जब डिलीवरी बॉय आपके घर पर सिलेंडर डिलीवर करेगा तो आप उसको ये वाली रिसिप्ट दिखा सकते हैं कि जो आपने पेमेंट है वो ऑनलाइन कर दी है। तो आपका गैस सिलेंडर जब आपके घर पर आएगा तो आपको कोई भी किसी तरह की पेमेंट डिलीवरी बॉय को नहीं करनी है। और आप यहां पर देख सकते हैं मिला हुआ कैशबैक हमारे पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है, 20 रुपए यहां पर लिखकर आ चुका है। और यहां पर नीचे की तरफ भी लिखा हुआ है कैशबैक रिसीव फ्रॉम पेटीएम, 20 रुपीज का हमें कैशबैक मिल चुका है और ये इंस्टेंट हमारे पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है। और अब हम आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से सुननी है। पहली बात, ऑनलाइन पेटीएम से सिलेंडर बुक करने पर सब्सिडी पर कोई भी किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, जो सिलेंडर की सब्सिडी आपकी बनेगी वो आपके अकाउंट में जरूर आएगी। दूसरी बात, पेटीएम से अमाउंट पे करने के बाद जब हमारे घर पर सिलेंडर आता है तो हमें कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। तीसरी बात, पेटीएम से किसी भी कंपनी जैसे भारत, इंडेन, एचपी का गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको गैस एजेंसी जाने की भी जरूरत नहीं होती है, गैस एजेंसी खुद आपका सिलेंडर आपके घर पर डिलीवरी बॉय के द्वारा डिलीवर करवाती है और कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं देना होता है। चौथी बात, पेटीएम से सिलेंडर की पेमेंट गैस एजेंसी को पहुंच जाती है और गैस एजेंसी दिए हुए पते पर आपका गैस सिलेंडर डिलीवर कर देती है। और पांचवी बात, गैस एजेंसी 3 दिन के अंदर आपका गैस सिलेंडर आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देती है।
सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में अब कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर अब भी कोई किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।